हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब गाइस? गाइस मैं हूँ याचना, और गाइस आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है एक सिंपल मेकअप ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। और ये समर मेकअप ट्यूटोरियल है गाइस, समर में मेकअप कैसे करें और स्पेशली फॉर बिगनर्स। ओके, तो ये कोई बहुत हाई प्रोफाइल मेकअप ना हो के बहुत ही सिंपल मेकअप ट्यूटोरियल है। तो समर में आप मेकअप कैसे करें वो मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई है गाइस। प्लीज़ आप इसको देखना और प्लीज़ थोड़ा मुझे अप्रिशिएट कर देना, क्योंकि मैंने किसी के कहने पे ये मेकअप लुक बनाई है। तो आप भी प्लीज़ देख के थोड़ा अप्रिशिएट कर देना गाइस। तो ये मेकअप लुक जो है बहुत ही सिंपल मेकअप लुक है, और ये आप समर में, जैसे अभी जो समय चल रहा है इसमें बहुत लाइट मेकअप चाहिए होता है, तो उस समय तो काम आएगा। और इवन आप ऑफिसेज में भी ये मेकअप कर सकते हो, और आप किसी के घर गेट टुगेदर में हल्का लाइट मेकअप है गाइज ये। तो ये वो मैंने मेकअप किया है और ये लुक क्रिएट किया है गाइज। तो बहुत ही अच्छी लुक मुझे लग रही है, नेचुरल मेकअप है। सो गाइज, जितने भी प्रोडक्ट मैंने इस मेकअप लुक में यूज़ किए हैं, जो भी मैंने यूज़ किए हैं, जो भी मैंने लगाया है, वो सब मैंने परचेज़ किया है अमेज़ॉन से, क्योंकि अमेज़ॉन पे गाइस बहुत सेल चलती है, बहुत डील्स मिलती हैं, और वहाँ पे गाइस कॉम्बोज और ऑफर्स बहुत सारी चलती रहती हैं। तो मैंने वहाँ से ये सब परचेज़ किया है, और मुझे बहुत चीप रेट में मुझे जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वहाँ पे मुझे मिल गए हैं। तो जितने भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, मैं ये जो भी मेकअप करूँगी स्टेप बाय स्टेप, वहाँ पे मैं आपको उनके वहाँ पे पिक्चर लगा दूँगी, ताकि आप देख पाओ यहाँ पे या यहाँ पे मैं पिक्चर लगा दूँगी। तो उनका प्राइस मैं बिफ़ोर आफ्टर जो वहाँ पे लगा दूँगी, तो वहाँ पे आप परचेज़ कर सकते हो जो भी मैंने यूज़ किया है प्रोडक्ट। साथ ही साथ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं उनके लिंक आपको मिल जाएंगे, आप चाहो तो वहाँ से भी डायरेक्ट आप परचेज कर सकते हो। सो गाइस, अमेज़ॉन पे चल रही है, होती है हमेशा सेल, तो लेकिन अभी क्या है, ऑफर्स में प्रोडक्ट मिल रहे थे, विशलिस्ट में मैंने डाल रखे थे प्रोडक्ट, तो मैंने वो परचेज कर लिए हैं, और उनसे मैंने ये लुक क्रिएट किया है। और बहुत ही प्यारा गाइस ये मेरा लुक क्रिएट हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मेकअप कैसे करना है समर्स में, सिंपल सोबर समर मेकअप ट्यूटोरियल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले मैं अपने बालों को क्लिप कर रही हूँ, ताकि जो भी मैं प्रोडक्ट लगाऊँ वो मैं आराम से लगा सकूं। तो मैंने यहाँ क्लिप लगा लिया है, और जो जो मैं प्रोडक्ट दिखा रही हूँ गाइस, ये ज़रूर ले लेना, समर्स में बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैंने लिया है कामा का ये स्प्रे, रोज़ वाटर स्प्रे है ये गाइस। और ये गाइस मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को यूज़ करते हुए देखा था, तो मुझे तो चाहिए ही था। तो इसे स्प्रे करना है आपको, सबसे पहले एक तो फ्रेश हो जाएगा फेस, और अच्छा है, टोन हो जाता है, अच्छा लगता है। तो सबसे पहला स्टेप है ये स्प्रे करना अपने चेहरे पे। तो गाइस, सबसे पहला स्टेप ये है। सेकंड स्टेप क्या है, मैंने लिया है गाइस यहाँ पे जूसी केमिस्ट्री का छोटा सा लिप बाम। गाइस ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। तो मेकअप करने से पहले क्या होता है, थोड़ा सा सेट करना होता है, छोटा सा है, तो इसको अपने लिप्स पे लगा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर लिया है, और अब थर्ड स्टेप जो है, जब तक सेट हो जाएगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिया है बायोटेक का कोकोनट ब्राइटनिंग क्रीम। मैं प्राइमर नहीं लगा रही, मैं यहाँ पे क्रीम यूज़ कर रही हूँ, ताकि मेरे जो पोर्स हैं वो ठीक हो जाए, मिनिमाइज या फिर सेट हो जाए गाइस, मेकअप अच्छे से स्प्रेड हो। तो यहाँ पे मैं डॉट डॉट करके हल्का सा बस मॉइस्चराइज करूँगी अपने स्किन को। तो मैंने यहाँ पे पहले रोज़ वाटर
स्प्रे, देन मैंने लिप बाम, और अब मैं ये मॉइस्चराइज कर रही हूँ अपनी स्किन को, और एज अ प्राइमर मैंने इसे यूज़ किया है, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेप हो गया है। तो गाइज, इसको आप 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना ताकि आपका चेहरा सेट हो जाए, अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए, लिप भी हो गए, फेस भी हो गया। तो नाउ गाइज, अब मेरा जो स्टेप है, मैं बहुत इजी मेकअप बता रही हूँ आपको समर के लिए। तो मैंने यहाँ लिया है पोन्स की बीबी क्रीम। सो यहाँ पे ये प्रोडक्ट लिया है, और गाइज ये बहुत थोड़ा लगता है, ये ज़्यादा ले लिया मैंने, बट बहुत थोड़ा लगता है। और बीबी क्रीम फाउंडेशन आप ज़्यादा मत यूज़ करिए। और मैं बीबी क्रीम कैसे लगाती हूँ गाइस, मैं हाथ उंगलियों से लगाती हूँ और हैंड से स्प्रेड करती हूँ, तो और अच्छे से होता है ये, क्योंकि लोग ब्रश से लगाते हैं, मेरे से तो नहीं लगता ब्रश से, ना ब्लेंडर से अच्छे से लगता है। तो हाथ से आप लगाओ पहले। इसका ये फ़ायदा है कि आप अच्छे से पहले से डॉट डॉट करके लगा लो गले पे और आपके ईयर्स पे। तो यहाँ पे मैं अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ, और क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स हैं तो मैं यहाँ पे हल्का सा कंसील भी करूँगी। गाइस बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है, बहुत अच्छा। अच्छे से आप स्प्रेड कर लेना इसे, अच्छे से सारा खेल ना स्प्रेडिंग, मतलब अच्छे से ब्लेंड करने का होता है। सो गाइज, यहाँ मैंने अच्छे से ये अपनी बीबी क्रीम को फेस पे लगा लिया है, और बहुत लाइट मेकअप होएगा। गर्मियों में ना ज़्यादा मेकअप अच्छा नहीं लगता, बहुत नेचुरल करना चाहिए। तो ये कर लिया है। अब मैं कंसीलर के लिए यहाँ पे मेबलिन का लूँगी, मैंने बीबी क्रीम का लिया था। गाइज मैं क्या करती हूँ, मैं ना बीबी क्रीम भी नहीं लगाती, मैं सिर्फ कंसील कर लेती हूँ और कॉम्पैक्ट लगा लेती हूँ बस। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आप ये भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने आपको बीबी क्रीम इसलिए बताया है क्योंकि सही रहता है, ठीक है। अब मैं इसे ब्लेंड करती हूँ, मैं आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ मैंने अच्छे से अपनी कंसील कर लिया है, और आप देख पा रहे होंगे बहुत ही नेचुरल लग रहा है मेरा फेस। और जो लास्ट जो गाइस वो होता है ना, मतलब इफेक्ट, वो आपका कॉम्पैक्ट या फिर लूज पाउडर से। मैं लूज पाउडर लगाऊंगी क्योंकि समर है ना, समर सीजन में लूज पाउडर लगाओ। सो गाइज, यहाँ पे मैंने अपने चेहरे को अच्छे से बीबी क्रीम लगा के और कंसील कर लिया है, मेबलिन का कंसीलर लगा लिया है यहाँ पे मैंने। नाउ अब मैंने गाइज यहाँ पे एक ब्रश लिया है, इस बार मैंने शॉपिंग की है, और मैं ले रही हूँ ये प्रोडक्ट फिट मी का, मेबलिन का। सो गाइज, यहाँ पे मैं मेबलिन का लूज पाउडर लिया है अपने स्किन के अकॉर्डिंग, और अब मैं आपको ये सेट कर रही हूँ अपने फेस को। अब ये दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे, आपको ऐसे, ताकि स्वेटिंग ना हो गाइस। और आप देख पा रहे होंगे बहुत ही नेचुरल लुक आ रही है, बहुत नेचुरल। गाइज आपने आलिया भट्ट को तो देखा होगा, उन्होंने अपनी मैरिज में बिल्कुल मेकअप, बहुत लाइट मेकअप किया था, न्यूड मेकअप था वो। तो गाइज ज़रूरी नहीं है कि बहुत मेकअप करना है, बहुत लाइट मेकअप भी बहुत अच्छा लगता है, तो नेचुरल ब्यूटी भी कुछ होना चाहिए। तो न्यूड मेकअप कह सकते हो, समर में न्यूड मेकअप
बहुत अमेजिंग लगता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सेट कर लिया गाइस। इसमें भी ब्लेंड करना है, ब्लेंड 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 अच्छे से ब्लेंड करना आपको। और पता है क्या है, मेकअप जब हम कर रहे होते हैं ना तो उसके बाद भी सेट होता है, उसके बाद भी 5-10 मिनट में सेट हो जाता है अच्छे से मेकअप जो होता है ना। एकदम से ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा कर लिया, लेकिन धीरे 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 सेट होना शुरू हो जाता है फेस पे। तो गाइस मैं थोड़ा सा और ले रही हूँ ये। काफी अच्छा हो गया चेहरा। तो ये है मेरा 5th step, आई थिंक 5th या 6th step। सो गाइज ये समर मेकअप तो है ही, साथ साथ ये मेकअप जो है ना आप ऑफिस में भी करके जा सकते हो। देखिए बेस एकदम तैयार हो गया है। नाउ अब मैंने क्या लिया है गाइज, मैंने लिया है यहाँ पे द फेस शॉप का गाइज, मैंने ये प्रोडक्ट लिया है। ये है आईब्रो पेंसिल, मैं आपको आईब्रो फिल करके दिखाती हूँ। तो आईब्रो पेंसिल ली है मैंने, यहाँ मैं इसमें क्या है मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। तो वन साइड में आईब्रो फिलर और देन यहाँ पे ब्रश है। तो ये आजकल पेंसिल्स बहुत चल रही है, बहुत ज़्यादा। तो गाइज मैंने एक ना सेलिब्रिटी है उनका इंटरव्यू सुना था, उन्होंने बोला था कि भाई मैं सिर्फ आईब्रो पेंसिल लगाती हूँ और लिप बाम लगाती हूँ बस, वो फाउंडेशन वगैरह कुछ यूज़ नहीं करती ना और इवन थोड़ा सा कंसीलर लगाती हैं। तो ये मैं अच्छे से फिल कर लेती हूँ क्योंकि मुझे आईब्रो फिल करना बहुत अच्छा लगता है। देखिए आप फ़र्क देखो, फ़र्क कितना अच्छा है एकदम ना चेहरे की। जब से उन्होंने मैंने उस सेलिब्रिटी का इंटरव्यू देखा कि मैं सिर्फ आईब्रो को फिल करती हूँ, तब से मेरे को भी ना आईब्रो फिल करना बहुत अच्छा लगने लग गया। तो गाइज यहाँ पे मैंने फिल कर लिया है, अमेजिंग इफेक्ट होता है, अमेजिंग। ये देखिए, तो आप डरो डरना मत, मतलब अच्छे से फिल करो, डरना बिल्कुल भी नहीं है मेकअप करते हुए, ये एक आर्ट की तरह लेना चाहिए मेकअप, ठीक है। अब ये फिल हो गई है और गाइज इसके बाद का जो स्टेप है वो मैंने लिया है गाइज, अमेजिंग लग रहा है ना न्यूड मेकअप। तो मैंने यहाँ पे लिया है गाइज रेने का, ये मैंने आई शेडो लिया है 3-in-1। आप 3 कलर देख रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे ये वाला कलर ले रही हूँ, ये सबसे ऊपर टॉप पे जो है। तो ये भी बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है गाइस। मेरी तरह आप भी आलसी हो ना तो ये यूज करो। तो यहाँ पे मैं अपनी आईब्रो आई शेडो जो है ये देखो हल्का सा आपको लगाना है दोनों आंखों पे। वाओ अमेजिंग, बहुत अच्छी है ये, बहुत ही अच्छी है गाइस। जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ना उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। तो ये मेरी हो गई है आई शेडो और मैंने फिल कर लिया आईब्रोज, और गाइस बेस तो है ही मेरा न्यूड। तो यहाँ पे ये हो गया, देन मैंने अब लिया है ये लैक्मे का आइकॉनिक, और गाइज ये ब्लू कलर का है, ब्लू बहुत अमेजिंग है। जो ये भी मैंने एक सेलिब्रिटी का देखा था, उन्होंने बोला था कि मैं ब्लू कलर का मस्कारा लगाती हूँ। सो गाइज आप ये देखो ब्लू कलर, तो ये आप ये ट्राई करना गाइज, ये ट्राई करना। माय गॉड मैं पहली बार यूज करूँ गाइज, तो
गाइस आपको शेड आ रहा है, यहाँ देखो हल्का सा शेड आ रहा है। वाओ, और सोचो आप रात को जाओ तो कितना मजा आएगा। आप ये ट्राई करो, ब्लैक हर कोई करता है, ब्लू करो। वाओ अमेजिंग, वाओ। सो गाइज ये है लैक्मे का आइकॉनिक मस्कारा, कलरिंग कर्लिंग। सो गाइज ये है वो मस्कारा, और ब्लू कलर का लेना, ब्लू। तो ये मैंने अब आईज पे ये लगा लिया। नाउ ये है गाइज कलर एसेंस का आई लाइनर। गाइज ये शाइन आई लाइनर है, हालांकि समर में आपको इतना ज़रूरत नहीं होती शाइनी प्रोडक्ट की, बट गाइज मैं न्यूड मेकअप कर रही हूँ ना, तो इसके लिए मैंने ये प्रोडक्ट ले लिया, क्योंकि मैं शॉपिंग कर रही थी अमेज़ॉन से, और गाइज इसमें मुझे 3 और आईलाइनर मिले हैं। गाइज ये कॉम्बो था 4 पीस का, और इसमें कलर्स पता है कौन कौन से हैं, इसमें गोल्ड, ग्रीन, ब्लू जो मेरे हाथ में है, और पर्पल। गाइज आप मानोगे, इसका एक जो आईलाइनर है ना वो 500 रुपीस का है, बट मुझे 626 समथिंग का पड़ा, ये चारों मैंने ले लिए, मैंने तो ले लिए। नाउ अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका स्वॉच, दिखाती हूँ पहले मैं आपको। गाइस माय गॉड अमेजिंग, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। वाओ माय गॉड, वाओ। सो गाइस कितनी जल्दी लगा है। और एक और बात बताऊं आपको इसकी, इसकी एक और बात बताती हूँ आपको गाइस, ये लगाया था ना मैंने, ये देख। सो ये मतलब गाइज ये फैल भी नहीं रहा है, कितना अमेजिंग है ये प्रोडक्ट। और ये इतनी जल्दी सूखता है ना, इतनी जल्दी, मैं आपको क्या बताऊं। तो यहाँ पे मैंने आई मेकअप कर लिया पूरा, मैं अपना बेस सेट कर लिया। मैं काजल नहीं लगाती गाइज, क्योंकि मेरे एक तो डार्क सर्कल है, प्लस काजल लगाने से मेरे को सूट कम करता है काजल, इसलिए मैं काजल नहीं लगाती। इसीलिए मैंने ये मस्कारा ब्लू कलर का लिया था। और अब गाइस मैंने लिया है यहाँ पे, गाइस मैंने जो ब्रश लिया था ना वो शुगर कंपनी का था, तो मुझे ये ब्रश बहुत अमेजिंग लगा, बहुत अमेजिंग। तो ये इसके ब्रश बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे मैंने शुगर कंपनी का लिया है ब्लशर। तो गाइस मैं बहुत ही नेचुरल मेकअप कर रही हूँ, इस वजह से मैंने ब्लशर, ये सिंगल ब्लशर लिया है। वैसे मेरे पास माय ग्लैम की किट भी है, बट मैं इसका मिरर यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे लाइट मेकअप समर के हिसाब से करना था, तो मैंने गाइज ये मेरे पास 3-in-1 पैलेट है, तो बट मुझे इस बार ये नहीं यूज़ करना था, मुझे करना था खाली ब्लशर। तो मैंने यहाँ पर ब्लशर लिया है, और इसको लगाने का तरीका गाइज आपको यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लगाना। गाइज आप देख पा रहे हो कितना अच्छा इफेक्ट है गाइज, वाओ। ये तो यहाँ पे आपको लगाना है। सो गाइज ये मेरा मेकअप हो गया है, और हल्का सा ब्लश कर रही हूँ मैं, मतलब लाइट लाइट लगाना है, बहुत लाइट, समर है ना, समर के हिसाब से बहुत लाइट लगेगा सब कुछ। तो यहाँ पे मेरा ये भी हो गया है कंप्लीट। अब मैंने लिपस्टिक लगानी है, और आई मेकअप आप देखो कितना कितना सुंदर आई मेकअप हुआ है। तो अब मैंने जो लास्ट प्रोडक्ट है वो मेरे लिप बाम मैंने लगा लिया था पहले, जूसी केमिस्ट्री का, और अब मैंने लिया है गाइज रेने की, ये इसका जो नाम है ये है मैडनेस। मैडनेस कैसे मैं आपको दिखाती हूँ गाइज, ये रेने कंपनी की लिपस्टिक है, और इसकी खासियत ये ब्लैक कलर की है गाइज, ब्लैक कलर की गाइज लिपस्टिक है। और अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको,
ये ब्लैक कलर की लिपस्टिक जो कि लगने के बाद कैसी हो जाएगी? गाइस कैसी लग रही है? सो गाइस ये हो जाएगी नेचुरल कलर, पिंक कलर की। सो गाइस कैसे लगी आपको मेरी ये मिनी मेकअप ट्यूटोरियल समर के लिए? तो गाइस अच्छा लगा, प्लीज कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट करना गाइस। और जितने भी प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाए हैं ये मेकअप करते हुए, वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे उनके लिंक। आप चाहो तो वहाँ से डायरेक्ट आप परचेज कर सकते हो। कुछ प्रोडक्ट तो आपको ज़रूर अच्छे लगे होंगे, उनमें बॉक्स को क्लिक करके आप वो लिंक डायरेक्ट आप खोल के परचेज कर सकते हो गाइस। सो ये जो मेकअप है बहुत ही ईजी मेकअप है, आप ये रेगुलर यूज़ कर सकते हो ये मेकअप। और गाइज ये ऑफिस में आप लाइट मेकअप करके कहीं आ जा सकते हो, तो समर में न्यूड मेकअप करो, लाइट मेकअप करो, तो ये इसलिए मैंने ये ट्यूटोरियल छोटा सा बनाया है गाइज। तो होप आपको अच्छी लगी होगी मेरी ये वीडियो। और जितना भी प्रोडक्ट है मैंने अमेज़ॉन से खरीदे थे, तो अमेज़ॉन की जो सर्विस है वो सुपर डुपर है गाइज। अमेज़ॉन से जो भी मैं प्रोडक्ट परचेज करती हूँ, मुझे नहीं पसंद आता तो मैं वापस कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ की कस्टमर सर्विस बहुत ही अमेजिंग है। तो आप वहाँ से ज़रूर परचेज करना प्रोडक्ट अपने, डायरेक्ट लिंक खोलोगे तो अमेज़ॉन वेबसाइट पे खुलेगा। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में नए मेकअप ट्यूटोरियल के साथ मैं मिलूँगी आपको। तब तक टेक केयर, बाय।